गुरुजी, जो हठीले किस्म के व्यक्ति होते हैं उनसे किस तरह से डील करना चाहिए, क्योंकि वो जो भी करते हैं या कहते हैं उन्हें लगता है वो ही 100% सच है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती मैं समझता हूँ हठीले व्यक्तियों को समझाना, बहुत मुश्किल है। कभी कभी तुमको ऐसा लगता है हाथ खड़ा कर दें, भाई इसको तो हम सुधार नहीं सकते। ऐसी हालत में पहुंच जाते हो तब तुम तनाव से भर जाओगे। मगर ये याद रखना, ये समझना कि ये नहीं इंसिस्ट करो इस बार पर जो दो कि वो अभी समझे, तुम्हें जो बोलना उनको बोल के हल्के से तुम उनसे हटो, उनके दिमाग में धीरे धीरे घुस के वो कभी ना कभी मान ही जाएगा। हाँ, एकदम सामने सामने हठीली व्यक्ति मान जाएगा ये आशा करना ही गलत है। बोल के हम खिसक जाना चाहिए और वो उसके भीतर कहीं ना कहीं उतर के फिर वो मानने लग जाएंगे। फिर तुम उनको देखो, मैंने पहले बोला था तुमने माना नहीं, अभी मान रहे हो, ऐसा करके नहीं बोलो उसको। फिर हठीली व्यक्ति का स्वभाव समझकर उसी चाल में चलना चाहिए। भाई दुनिया में अलग अलग पशु पक्षी प्राणी रहते हैं, एक एक प्राणी की चाल समझ के हमें चलना चाहिए। हाथी जब सामने आ जाए, कहते हैं हाथी आते सीधा नहीं दौड़ो, सीधा दौड़ोगे तो वो तुम 10 कदम उसका 1 कदम में तुमको पकड़ के उठा के पटक देगा। हाथी आ जाता है तो जिगजैग चलना चाहिए ताकि हाथी को मुड़ने में इतना टाइम लग जाएगा। तुम दाहिने जा रहे हो तो हाथी दाहिने मुड़े तो भाई तुरंत बाएं मुड़ो, उसको बाएं मुड़ने में टाइम लगता है। हाथी की अत्यंत ऐसे ऐसे चलना चाहिए, ऐसे सांप के लिए ऐसे ऐसे चलोगे तो झट से पकड़ लेगा तेरा। सांप चलता है ऐसे टेढ़े टेढ़े, सांप आए तो सीधा भागना चाहिए, तो कि उसको मोड़ मोड़ के इस तरह से आते में देर लग जाएगी। ऐसे गाड़ी चला रहे हो सामने गधे आ जाते क्या, तो सिर्फ हॉर्न करने से नहीं जाएगी वो। ऐसे भैंस भैंस आ जाता है तो तुम्हें उतर के उसको धक्का देना पड़ता। गाय के लिए तो सर हॉर्न बजाओ तो हट जाए। तो अलग अलग प्राणी की तरीका अलग अलग है, उनका चाल अलग अलग है, सबका चाल समझ के अपने चाल चलाओ, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक के साथ कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इससे जुड़े अन्य वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।